हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आपको याद होगा इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने फैसिलेटेड डिफ्यूजन के बारे में डिस्कस करा था, ठीक है। साथ में उसी में मैंने आपको सिंपोर्ट, एंटीपोर्ट और यूनिपोर्ट बताया था। एक चीज याद रखना, सिंपोर्ट, एंटीपोर्ट और ट्रांसपोर्ट, सॉरी सिंपोर्ट और एंटीपोर्ट और जो यूनिपोर्ट था, वो तीनों फैसिलेटेड डिफ्यूजन के ही टाइप है, ठीक है। आज हमको डिस्कस करना है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, हिंदी में कहते हैं सक्रिय परिवहन। देखो नाम से क्लियर है एक्टिव, मैंने आपको एक्टिव के बारे में इसी चैप्टर में पहले के वीडियो में भी बताया है कि जहां पर भी ट्रांसपोर्ट के दौरान ऊर्जा खर्च होगी तो हम उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, हिंदी में सक्रिय परिवहन, ठीक है। अच्छा, एनर्जी का खर्च होता क्या है, होता क्यों है वो सुनो। जैसे यदि हम डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन में क्या होता है, पदार्थ अपने हायर कंसेंट्रेशन वाले एरिया से लोअर कंसेंट्रेशन वाले एरिया की ओर ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। कोई भी सब्सटेंस अपने हायर कंसेंट्रेशन वाले एरिया से लोअर कंसेंट्रेशन वाले एरिया की ओर आता है, ये एक नेचुरल लॉ है, प्राकृतिक नियम। लेकिन जब भी आप इसको उल्टा करोगे, मतलब लोअर कंसेंट्रेशन वाले एरिया से हायर कंसेंट्रेशन वाले एरिया की ओर ट्रांसपोर्ट कराओगे, तो फिर आपको ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमारा जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। देखो यहां पे लिख रखा है, इट ट्रांसपोर्ट कंप्लीटेड बाय कंजप्शन ऑफ एनर्जी, मतलब यहां पे एनर्जी खर्च होगी। साथ में लिखा विथ एटीपी, मतलब एटीपी के साथ ये ट्रांसपोर्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखो यहां पे आप समझो, यहां जो मॉलिक्यूल है इनकी कंसेंट्रेशन लो है, तो यहां पे लो कंसेंट्रेशन है और इस तरफ मॉलिक्यूल की कंसेंट्रेशन कैसी है, हाई। अब आप एक चीज समझो, जो ट्रांसपोर्ट की डायरेक्शन है वो लो कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की ओर है, ठीक है ना। तो जब भी आप पदार्थों को लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की ओर लेके जाओगे तो आपको एनर्जी खर्च करना पड़ेगी, इसलिए यहां पे एनर्जी खर्च होती है। अच्छा, ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये भी स्पेशल टाइप के प्रोटीन की हेल्प से होता है, जिन्हें हम कैरियर प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरियर प्रोटीन, हिंदी में वाहक प्रोटीन, जो कि एक प्रकार के पंप की तरह काम करते हैं। ये मॉलिक्यूल्स को यहां से उठा उठा के इस तरफ डालेंगे, ठीक है बेटा। एक चीज और सुनो, जब भी ट्रांसपोर्ट लोअर कंसेंट्रेशन वाले एरिया से हायर कंसेंट्रेशन वाले एरिया की ओर होता है तो उसको हम अपहिल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपहिल, लो से हाई की ओर, तो हो ना अपहिल, ठीक है। इसके बाद इस तरफ देखो, यहां पे मैंने चार्ट बना रखा है, इसमें हेडिंग अपन ने डाली है कंपेरिजन ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। हमने ट्रांसपोर्ट की एक तो डिफ्यूजन वाली मैकेनिज्म देखी, एक सिंपल डिफ्यूजन देखा और एक अभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखा, तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। सुनो, सबसे पहले वाले बक्से में है प्रॉपर्टी, दूसरे वाले बक्से में सिंपल डिफ्यूजन, तीसरे वाले बक्से में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और आखिरी बक्से में है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सबसे पहला पॉइंट है रिक्वायर्ड स्पेशल प्रोटीन। देखो सिंपल डिफ्यूजन में किसी भी प्रकार के प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए यहां पे नो। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में याद करो विशेष प्रकार के प्रोटीन भाग लेते थे, तो यहां पे यस। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी कैरियर प्रोटीन हेल्प करते हैं, तो यहां पे भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए यस, ठीक है। अच्छा, हाईली सिलेक्टिव, चूंकि सिंपल डिफ्यूजन में तो किसी प्रकार के प्रोटीन भाग लेते ही नहीं है, इसलिए यहां पे किसी प्रकार का सिलेक्शन नहीं होगा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों में ही स्पेशल टाइप के प्रोटीन भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए ये सिलेक्शन का काम करेंगे, तो यहां पे सिलेक्शन होगा और यहां पर भी होगा। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स। सिंपल डिफ्यूजन में क्योंकि बेटा किसी प्रकार के प्रोटीन भाग नहीं लेते हैं, इसलिए यहां पे सैचुरेशन नहीं होगा। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों में ही प्रोटीन भाग लेते हैं, इसलिए यहां पे सैचुरेशन हो जाएगा, तो इन दोनों में यस।
नेक्स्ट अपहिल ट्रांसपोर्ट। अपहिल का मतलब होता है पदार्थों का अपने लोअर कंसेंट्रेशन वाले एरिया से हायर कंसेंट्रेशन वाले एरिया की ओर ट्रांसपोर्ट। तो ऐसा तो केवल एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ही होता है। इसका मतलब यह है कि अपहिल ट्रांसपोर्ट केवल एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होगा, बाकी सिंपल और फैसिलिटेटेड में नहीं होगा, इसलिए मैंने क्रॉस लगा दिया। आगे ये रिक्वायर्स एटीपी। चूंकि बेटा सिंपल डिफ्यूजन हो या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो, डिफ्यूजन एक पैसिव प्रोसेस है, निष्क्रिय प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा खर्च नहीं होती है, इसलिए यहां पे एटीपी का कंजप्शन नहीं होगा और यहां पर भी नहीं होगा। लेकिन चूंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स को लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की ओर लेके जाना पड़ता है, इसलिए ऊर्जा खर्च होती है, तो यहां पे ऊर्जा का कंजप्शन होगा। ठीक है बेटा, ये आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। यहां पे मैंने आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में समझा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।